अमेरिका में पढ़ने वाली ग्रेटर नोएडा की लड़की सुदीक्षा भाटी का कल सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सुदीक्षा के परिवार का सीधा आरोप है कि हादसा मनचलों की वजह से हुआ। मैं सब चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी ने अभी कामयाबी की उड़ान भरी ही थी और इल्जाम है कि कुछ मनचलों की वजह से उसकी जिंदगी की डोर कट गई। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के डेरी सकनर गांव की सुदीक्षा भाटी पढ़ाई में इतनी अव्वल कि एक कंपनी की करीब 4.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई करने अमेरिका पहुंच गई। वो छुट्टियां मनाने घर लौटी थी, 20 अगस्त को वापस अमेरिका लौटना था, लेकिन इससे पहले सुदीक्षा के साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर दिया, जिसने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा कर दी। सुदीक्षा के चाचा के मुताबिक वो अपने बेटे के स्कूली सर्टिफिकेट के लिए बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में सुदीक्षा के मामा का घर पड़ता है, इसी वजह से सुदीक्षा भी उनके साथ बाइक पर आ गई। फिर क्या हुआ सुनिए। तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा, बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले, उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। सुदीक्षा के चाचा का इल्जाम संगीन है। उनके मुताबिक बुलेट सवार मनचले औरंगाबाद के पास रास्ते में तंग कर रहे थे। कभी वो सुदीक्षा की बाइक के पीछे लग जाते थे तो कभी ओवरटेक करके आगे आते थे। सुदीक्षा के चाचा के मुताबिक मनचले स्टंट करके भी दिखा रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सुदीक्षा की बाइक के ठीक आगे अचानक ब्रेक लगाई। इससे सुदीक्षा जिस बाइक पर बैठी थी वो मनचले की बाइक से टकरा गई। सुदीक्षा बाइक से छिटक कर पीछे गिर गई और उसकी मौत हो गई। यानी परिवार के मुताबिक हादसा साफ साफ मनचलों की वजह से हुआ। अगर मनचले ना होते तो हादसा ना होता और सुदीक्षा जिंदा होती, लेकिन पुलिस इसे हादसा करार दे रही है। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी, ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। यहाँ सच पर ही संग्राम है, लेकिन सुदीक्षा का परिवार अपने इल्जामों पर कायम है। जिसने बच्ची को गिराया है उन तक नहीं पहुंच रही है, वाइट और बना रही है पुलिस। सुदीक्षा की मौत का सच क्या है ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन अगर परिवार का इल्जाम सही है तो यूपी में लड़कियों की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों में है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ कुमार कुणाल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो एक गरीब परिवार की होनहार लड़की सुदीक्षा भाटी, वो अपनी मेधा के दम पर करीब 4 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने चली गई थी, लेकिन कुछ मनचलों की वजह से आज सुदीक्षा हमारे बीच नहीं है। सुदीक्षा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उसकी मौत को लेकर पुलिस और परिवार के बीच क्या विवाद है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं सुदीक्षा का वो वीडियो जिसमें वो चीख चीख कर महिलाओं के प्रति समाज का सच बदलने की बात कर रही है। आपसे पूछती हूँ, आप सबसे पूछती हूँ, क्या इस परिस्थिति से गुजरने वाली
आपको खुद पता चल जाएगा। पर कोशिश तो करिए, कोशिश करिए एक बार।